जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी से एक बड़ी खबर, जो बड़ी अपडेट आ रही है कि आतंकवादियों का वहां से जो गढ़ था, वहां से आतंकियों के सफाई के लिए जो विशेष अभियान कश्मीर घाटी के अंदर चलाया गया था, उसमें सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी हाथ लगी और लश्कर ए तोयबा से जुड़े हुए, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए जो 10 आतंकवादी जो OGW के नाते यहाँ पर आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान कर रहे थे, आतंकवादियों को वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का वाहन का जो वाहन प्रोवाइड करने का जो कार्य कर रहे थे, लगभग 10 की संख्या में जो आतंकवादी थे, एक बड़े आतंकी गिरोह का, आतंकी सरगना का भंडाफोड़ हुआ है और 10 आतंकवादियों को, यानी कि आतंकवादियों के समर्थकों को, 10 OGW को गिरफ्तार किया गया है। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर कई जगह पर जो पुलिस कर्मियों के ऊपर घात लगाकर आतंकवादी लगातार हमला कर रहे थे, वहीं आतंकियों की कमर को तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय व्यापक स्तर पर जो एक मिशन ऑल आउट के तहत जो भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां लगातार तत्पर हैं, वहीं उसी दिशा में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है और लगभग 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक ऐसा सरगना था जो आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में था और लगातार आतंकी आकाओं के निर्देश के ऊपर कश्मीर घाटी के अंदर भोले वाले युवाओं को, जो स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो कमजोर वर्ग के जो छात्र थे, जो गरीब परिवारों से आने वाले जो छात्र स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, उन लोगों के संपर्क में थे और ज़्यादातर स्कूली छात्रों को ये आतंकवादी गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए ये जो सरगना था, ये आतंकी मॉड्यूल काफ़ी समय से जो कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय था और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि SIA द्वारा जो बीती रात को दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर के अंदर लगभग 10 जगहों पर छापेमारी की गई और 10 जगहों पर छापेमारी के दौरान लगभग 10 जो आतंकवादी थे उनको गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि इस तलाशी अभियान के दौरान उनसे सेलफोन, सिम कार्ड, बैंकिंग चैनलों के इस्तेमाल का रिकॉर्ड और यहाँ तक कि एक डमी पिस्टल भी बरामद किया गया है और गिरफ्तार किए गए जो लोग हैं इसमें से एक ऐसा भी घर है जहां पर 4 अप्रैल 2020 को जिस घर के अंदर एक आतंकी एनकाउंटर हुआ था और 4 आतंकवादियों को वहां पर सेना ने नेस्ता नाबूद किया था। 4 आतंकवादी जिस घर के अंदर मारे गए थे, उस घर का भी एक सदस्य जो था वह गिरफ्तार किया गया। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये आ रही है कि जैश ए मोहम्मद संगठन को नियमित आतंकवादियों के साथ घनिष्ठ संबंध और काफ़ी समय से निगरानी में थे और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि SIA की रिडार पर ये काफ़ी समय से जो आतंकवादियों का जो सरगना चल रहा था, उस आतंकी सरगना को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों को बारी कामयाबी हाथ लगी है और 10 की संख्या में जो आतंकवादी थे वह गिरफ्तार किए गए। आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और कश्मीर घाटी के अंदर से आतंकियों को कमर को तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी दक्षिण कश्मीर में हाथ लगी और लगभग 10 की संख्या में जो OGW थे, जो आतंकियों के समर्थक थे, जो आतंकवादियों को, जो आतंकवाद को कश्मीर घाटी के अंदर बढ़ावा देने के लिए जो सुरक्षा बलों के ऊपर लगातार हमले करने के लिए जो कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय थे और भोले भाले जो स्कूली छात्र थे, उन स्कूली छात्रों को पैसे का लालच देकर, नशे का लालच देकर इस दलदल में, आतंक की दलदल में धकेलने का जो कार्य इस समय जो सरगना और एक ऐसा भांडाफोड़, आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ इस समय कश्मीर घाटी के अंदर किया गया है कि कश्मीर घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी हाथ लगी है और फिलहाल मामला दर्ज कर 10 आतंकवादी जो समर्थक थे, OGW थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और इस प्रकार की और भी बड़ी गिरफ्तारियों की संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि आतंकवादियों के जो सरगना थे कश्मीर घाटी के अंदर जो तैनात थे, उस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है, सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है और आने वाले दिनों में आशंका और अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इन गिरफ्तारियों को लेकर कहीं और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कश्मीर घाटी से आतंकवाद के सफाई के लिए ये अभियान काफ़ी सक्सेसफुल रहा। फिलहाल इस समय की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर जो कश्मीर घाटी के दक्षिण और मध्य कश्मीर से आ रही है कि 10 आतंकवादियों के समर्थक यानी कि 10 आतंकवादी OGW को इस समय आज रात को SIA द्वारा अलग अलग छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया है और बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जल्दी सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र रैना।